MG Actor की bookings officially open हो गई हैं और 50,000 rupees देकर आप इसे online उनकी website पे या फिर offline किसी भी showroom में जाके book करा सकते हैं। क्या आपकी city में भी एक showroom है इनका, MG showroom है, तो उसे जानने के लिए नीचे description ज़रूर check करें, क्योंकि मैंने वहाँ पर हर एक city में जहाँ पर भी MG showroom है उसका exact address आपके लिए description में छोड़ा है, तो प्लीज़ उसे चेक ज़रूर कर लें। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जल्दी से जल्दी शॉर्ट से शॉर्ट टाइम के बीच में MG Actor के बारे में बेसिक चीज़ें बताऊँगा, उसके इंजन, उसकी पावर और उसके बारे में कुछ और चीज़ें बताऊंगा, उसकी टेस्ट ड्राइव के बारे में बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं कार न्यूज़ बाय हॉटशॉट इन्फो। अगर आप भी मेरी ही तरह लेटेस्ट कार्स की न्यूज़, ऑफर्स, टेस्ट ड्राइव, एक्सेसरीज, कंपैरिजन और वीडियोज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इसी तरह की अमेजिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हेक्टर के टॉपिक के साथ। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हेक्टर एक कमाल की गाड़ी होने वाली है। इसकी जो प्राइसिंग है वो 15 लाख से 20 लाख के बीच में होगी और इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन होगा टाटा हैरियर, जीप कंपस, XUV500 और इस तरह की और SUVs के साथ। ये एक 5 सीटर SUV होगी जिसमें आपको बहुत सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स मिलेंगे, जैसा कि पैनारोमिक सनरूफ जो लोगों को अट्रैक्ट करने वाली है, साथ में 10.4 इंच की इंफोटेनमेंट डिस्प्ले होगी, 50 कनेक्टेड फीचर्स होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले वॉइस कमांड्स भी होंगे, प्लस आपको इसमें बहुत बड़ी 587 लीटर्स की बूट स्पेस मिल रही है। तो ये फीचर्स काफ़ी कमाल के हैं। आपको 6 एयरबैग्स हैं, आपको जो अलॉय व्हील्स हैं वो बहुत शानदार मिलने वाले हैं इसके बीच में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक इस गाड़ी में इतनी ज़्यादा आपको मिलने वाली हैं कि आपको ये गाड़ी अट्रैक्ट ज़रूर करने वाली है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो जो इसके इंजन ऑप्शंस हैं उसको भी डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। फ्यूल इकोनॉमी भी इसकी लीक हो चुकी है तो वो भी आपके साथ में शेयर कर देता हूं। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो इसमें पेट्रोल इंजन भी होगा, इसमें पेट्रोल मैनुअल होगा, पेट्रोल ऑटोमेटिक, पेट्रोल हाइब्रिड और एक डीजल मैनुअल ऑप्शन भी होगा। हालांकि डिमांड जो डीजल की काफ़ी गिरती जा रही है, इसी चीज़ को लेके जो कंपनी ने सोचा है कि पेट्रोल इंजन में ज़्यादा ऑप्शंस दी जाए। माइलेज बहुत अच्छी है इसके साइज़ और इसके वेट को देखते हुए। प्लस मैं आपको बता दूं कि ये इंजन काफ़ी पावरफुल होने वाले हैं, स्पेशली जो इसका हाइब्रिड इंजन है उससे आपको टॉर्किंग अच्छी मिल जाती है। डीजल इंजन भी काफ़ी पावरफुल है, पेट्रोल में देखें तो ऑब्वियसली हाइब्रिड इंजन एक ज़्यादा अच्छी ऑप्शन हो सकती है। मैं भी ये हाइब्रिड इंजन को प्रेफर करूँगा, कुछ मुझे मैनुअल गाड़ियाँ चलाने में अलग ही मज़ा मिलता है, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा अगर मैं आपसे अब इसके प्राइसिंग के साथ साथ इसकी टेस्ट ड्राइव की बात करूं तो 11th जून को हमारी तरफ से आपको इसकी टेस्ट ड्राइव वीडियो मिल जाएगी, प्लस आपको इसमें मिल जाएगी जो वॉक अराउंड है, एक एक फीचर आपको बताएंगे, एक एक वेरिएंट आपको मैं अच्छे से दिखाऊंगा। तो 11th जून को याद रखें, आपको वीडियो मिलेगी, हो सकता है 12th जून सुबह तक चली जाए, कुछ ज़्यादा वीडियोज़ होंगी, अब एक के साथ एक ही दिन में सारी अपलोड तो नहीं करूँगा, तो उन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। और इसके साथ साथ मुझे ये बताएं कि MG Actor की प्राइस आपको कैसी लगी, और नीचे कमेंट जरूर कर दें कि आपके हिसाब से हेक्टर कैसी गाड़ी है, MG कैसी कंपनी है, आप MG को ऐसे एक्सेप्ट करेंगे इंडिया में कि नहीं, जैसे एक नई कंपनी आ रही है तो आपका MG के बारे में क्या ओपिनियन है, वो भी मुझे ज़रूर बता दें नीचे कमेंट करके। ऐसे ही लेटेस्ट कार्स की न्यूज़, ऑफर्स, टेस्ट ड्राइव, एक्सेसरीज, कंपैरिजन और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। चलिए अब अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।